जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, पूछता है एटीवी न्यूज। और हमारे साथ में खास मेहमान बातचीत के लिए हैं, चर्चा के लिए हैं, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर धर्मवीर सिंह सोलंकी जी। सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। जी बिल्कुल, नमस्कार आप सभी को, सादर प्रणाम मेरा। और इतना आप सभी ने मुझे टाइम दिया और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में तो राजपूतों की सरकार है, फिर राजपूतों को क्या समस्या है? कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ठाकुर बात पर जहां हम असदुद्दीन हो वैसी की बात करें वो भी बोलते हैं, अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो वो भी बोलते हैं, हम बात करें अगर दलितों की तो भीम आर्मी भी बोलती है। लेकिन क्या राजपूतों के शासन में राजपूत सुरक्षित हैं या नहीं? क्योंकि लोग तो वहां कह रहे हैं कि पुलिस थानों से लेकर के पूरे सिस्टम पर ठाकुर बात लागू। जी देखिए, मैं आपको इस पर जवाब दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं माँ करणी, माँ भवानी, महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करूंगा। और आज की खास बात यह है कि आज 16 दिसंबर है जी। आज 16 दिसंबर को आज हमारे भाई प्रखर भाई, देश सेवक, देश का गौरव, जिसने बढ़ चढ़कर देश के लिए काम किया, आज सबसे पहले भाई शेर सिंह राणा जी को शुभकामनाएं दूंगा और बधाई दूंगा कि आज ही के दिन 16 दिसंबर को उन्होंने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की स्थापना की और आज स्थापना दिवस है। भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इतना अमूल्य जीवन समाज के लिए दिया और जो काम देश में कोई भी नहीं कर पाता, आज शेर सिंह राणा एक ऐसा नाम है जिससे दुश्मन देश भी कांपते हैं जी। क्या कांड हो गया था, कौन सा हत्याकांड, जो बलबीर सिंह हत्याकांड की जब आप बात करते हैं तो क्या कांड हो गया था, क्या पूरा मैटर रहा है, क्या विषय रहा और क्या जरूरत पड़ी कि पुलिस को जो है इतना बड़ा कदम उठाने की कि उसकी हत्या ही कर दे? क्योंकि ये कई बार देखा जाता है, या तो पुलिस थाने के अंदर मर जाते हैं या बाहर आकर के अपना निजी गुस्सा लोग निकाल देते हैं लोगों के ऊपर। क्या अधिकार इनको कौन देता है? जी ये अधिकार इनको कोई नहीं देता। आजकल जो भी पुलिस प्रशासन है सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। इनको ये नहीं देखते कि एक कोई भी भाई है अपने परिवार में, उसके परिवार में अकेला है, उसका परिवार में भी भाई अपने माँ बाप के अकेला संतान था और छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके जी। भाई किस जुर्म में उन्होंने गिरफ्तार किया? मेन बात यह है शर्मा जी, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, जितने भी मेरी आवाजें सुन रहे हैं, तीन लोगों को आप लोग गिरफ्तार करते हो, उसमें से एक को छोड़ देते हो और ये दो को बंद रखते हो, उसके बावजूद आप लोग बलवंत सिंह सेंगर की हत्या कर देते हो पीट पीट कर। क्या भाई इतना बड़ा वो गैंगस्टर था? क्या इतना बड़ा भाई कोई गुनहगार था? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कानपुर देहात ने उसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई जी? लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार भी तो हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की जांच तो पुलिस ही करती है, उनकी जांच कहीं बाहर के लोग तो करते नहीं है ना, तो एजेंसियां करती हैं जी। बिल्कुल निराधार नहीं है, ये बिल्कुल निराधार नहीं है सबके। अभी मेरे पास एक दो अभी सुबह आज जो हत्याकांड आप बता रहे हैं, ये मामला क्या था, क्या पूरा मामला था, शुरुआत से क्या आप प्रकाश डालेंगे कि कौन सा मामला, किस मामले में इनको पुलिस ने पकड़ा था, क्या मुकदमा दर्ज हुआ था, अगर आप विस्तार से बता। चोरी के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया था जी, एक छोटी सी चोरी के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया था भाई। जो नाके चोरी है, जो एक झूठा इंजाम है, बेचारा एक सीधा साधा बलवंत सिंह सेंगर अपने बच्चों को पाल रहा है और बच्चों को पालता है, तो बताइए बच्चों को पालना, मैं आप ही से पूछता हूँ और समझ देशवासियों से पूछता हूँ कि बच्चों को पालना क्या कोई गुनाह है? बेचारा मजदूरी करता है, उसकी साइकिल छुड़ा करके
आप लोग उसे अरेस्ट करते हो और उसे पीट पीट कर हत्या करते हो, ये भाई क्या है, कहाँ का ये कोई का, ये कौन सा कानून है, कौन सा प्रशासन है ये? कहते हैं लोग, आपने अभी हमसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि ठाकरों की सरकार, भाई ठाकरों की सरकार सभी का मार्गदर्शन करती है। ठाकरों की सरकार, अगर ठाकरों की सरकार होती तो जो देश में चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो नहीं होता, कोई बलवंत सिंह सेंगर कोई अपराधी था, कोई बलात्कारी था, कि कोई उसने रेप किया, कि कोई उसने कोई गैंगस्टर था। अरे कमाल है, बलात्कारियों को तो बिरयानी खिलाएंगे, बलात्कारियों को तो सुरक्षित रखेंगे, अभी भी तमाम जो है बलात्कारी तो उनके लिए वोट बैंक के तरीके से हैं, आप समझते नहीं है, सरकारों के लिए वोट बैंक है। अगर बलात्कारियों को सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो सरकार नहीं गिर जाएगी उनकी। बलात्कारियों को तो तुम अपना जीजा बना के बैठे हो, फूफा बना के बैठे हो, जो निर्दोष है उन्हें तुम लोग ये मतलब प्रताड़ित करते हो, तो ये कहाँ का वो है और मैं सब ये बात बार-बार दावा तो किया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो राम राज्य है, ऐसे में आप जब आरोप लगाते हैं तो ये भी सोचने वाली बात हो जाती है कि एक इतनी बड़ी पार्टी के एक इतने बड़े जो है महान लीडर, आने वाले समय में उनको लोग महापुरुष भी बना देंगे और शायद आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री भी न बना दिए जाए। हम भी चाहते हैं जो राम राज्य की व्यवस्था जो वो बता रहे हैं, राम राज्य में कितना सपना आपको लग रहा है, क्योंकि कांड तो राजस्थान में भी हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी कांड हो रहे हैं, हर जगह कांड हो रहे हैं। देखिए हम भी चाहते हैं कि मोदी जी के बाद में योगी आदित्यनाथ जी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन यही हालात रहा तो सबसे पहले चाहे वो योगी हो चाहे मोदी हो, सबसे पहले श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना इसका विरोध करेगी, खुलेआम विरोध करेगी, अगर इसी तरीके से ये कारनामे होते रहे तो। या तो बलवंत सिंह हत्याकांड में आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपने क्या लिखा है राष्ट्रपति को पत्र, क्योंकि राष्ट्रपति आज हर जगह जाकर के क्लास लगा रहे हैं सिस्टम के, अपनी ही सरकार के खिलाफ, और वो जानती है कि देश के अंदर क्या परसों से चलता चला आ रहा है और अभी वर्तमान में सुधारने की क्या जरूरत जी। देखिए मेरा राष्ट्रपति जी से भी और प्रधानमंत्री मोदी से भी, योगी आदित्यनाथ जी से भी, सभी से निवेदन है, सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, और उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोषी है ज्ञान प्रकाश पांडे जी, जिन और उनके दो तीन साथी, इन्होंने ये हत्या की है, इनको सजा दी जाए जी। सजा नहीं दी जाती है तो मैं खुलेआम चेतावनी देता हूँ शासन प्रशासन को, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना कानपुर देहात में जन आंदोलन करेगी और वहां पर धरने पर बैठेगी, और वहां पर आंदोलन के अंदर धरने में सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहेंगे जी। बिल्कुल आप जो बता रहे हैं सत्याकांड में, हम अगली बार दर्शकों को मैं बता दूं कि उनके परिवार को भी हम दिखाएंगे और उनके घर के हालात भी दिखाएंगे, केस क्या था वो भी पूरा जो है बताएंगे और कहां तक कहानी पहुंची है, क्योंकि ऐसा एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे ही देश में इस तरीके से पुलिस का जो कार्यालय सिस्टम है वो अभी तक बना हुआ है। आखिर क्यों पुलिस सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा है, पुलिस को फ्री हैंड इतना भी क्यों कर दो कि वो राक्षस बन जाए, हैवानों के तरीके से आम इंसान के पेश में आए, इतना भी उनको फ्री हैंड करने की जरूरत नहीं है, हाथों में हथकड़ियों का डर हमेशा उनको भी लगा रहे कि अगर कल को गलत हम करते हैं तो हमारे भी हाथ बांध करके हमें भी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा, अगर हम किसी की हत्या करते हैं और वो भी सोच समझ के जानबूझ के, और हत्या इसलिए करते हैं कि जातिगत हत्याएं बहुत सारी निकल के आती हैं, पता चले कि कहीं दलित की हत्या कर दी जाती है तो कहीं राजपूत की और कहीं ब्राह्मण की कहीं मुसलमान के, तो ये जातिगत जो गुस्सा है वो क्यों है आखिर, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, और सिस्टम के अंदर आखिर क्यों है, क्या बिगाड़ा है, चोरियां तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन चोरी की एक प्रक्रिया है, आप अगर अपने आप दंड देने लगेंगे तो अदालत का क्या होगा, और चोरी की सजा कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, एक सही पांच इंसान दिखा नहीं, आप भी जानते हो सभी जानते हैं कि कोई सही इंसान सिर्फ केवल आरोप लगाने भर से किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती है, आप FIR लॉन्च करते, आप उसकी निष्पक्ष जांच करते, आप अदालत में अपने सबूत आप प्रस्तुत करते, और अगर अदालत को लगता ये व्यक्ति दोषी है तो वो खुद ही सजा देते, लेकिन
चोरी की सजा भी केवल आरोप में आरोप लगने भर से अगर किसी को जो है जान से मार दिया जाए तो ये तो संविधान में भी नहीं, असंवैधानिक कार्य करने वाले जो लोग हैं वो सिस्टम के अंदर हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि आज के दौर में इसीलिए ये अपराध और ज्यादा बढ़ रहा है, और वो अपराध आम आदमी कम कर रहा है लेकिन सिस्टम बहुत ज्यादा कर रहा है, चाहे वो सरकारें हों या फिर उनका सरकारी सिस्टम। जी, इस देश का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है। सबसे ज्यादा जहां देखो हत्या है, रेप जैसे केस सामने आ रहे हैं, उनको उनको तो दामाद बना के बैठे हैं, उनको जीजा या फूफा बनाकर बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करो ना। ऐसे शब्दों का जो है हमारा चैनल इजाजत नहीं देता है, और ऐसे शब्दों के लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप इस तरह के शब्द जो है आप बोले, क्योंकि ये मंच सभी का है और यहाँ पर बैठ करके जो हमारी एक जो मर्यादित भाषा में ही हम बात कर सके, केवल हम उसी को करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम मर्यादित भाषा में बातचीत नहीं कर सकते और इसीलिए हमें डिस्क्लेमर ये चलाना पड़ा। जी बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं एक ही बात कहूंगा, जो भी अपने रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, जो भी इतने केस सामने आ रहे हैं इस देश के अंदर, तो मुझे बताइए इसमें योगी सरकार हो चाहे कोई कौन सी कांग्रेस सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, इसमें इन सरकारों ने क्या किया है, कोई एक्शन लिया बड़ा? बिल्कुल एक्शन लिया है। आप एक्शन की अगर बात करते हैं तो देखिए कितना बड़ा एक्शन ले लिया है, भगवा पहन करके पठान में बिकनी पहन करके, भगवे की बिकनी पहन करके, और इतना अश्लील, मैं कहता हूं कि इसे बोल्ड तो नहीं कहा जा सकता है, मैं तो उसे पोर्न ही बोलूंगा, इस तरीके से कुछ भी छुपा नहीं रह गया है। चाहे वो पिछली बार माँ पद्मावती की बात की जाए तो पद्मावती में भी किस तरीके से जो है पूरा किया गया, करणी सेना जो है कहाँ थी, उन्होंने पैसे लेकर के आरोप लगा कि उन्होंने जो है छोड़ दिया, क्यों छोड़ा आखिर, अगर फिल्म और मूवी गलत थी, और बाद में देखा भी उसमें जिस तरीके की तरह से और जिस तरीके की चीजें दिखाई गई, छेड़छाड़ भी की गई थी उसमें, और आज भी वो छेड़छाड़ है। आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए और मूवी को उठा करके देख लीजिए, तमाम चीजें आपको छेड़छाड़ वाली मिलेंगी। ये जो मूवी मैं मानता हूँ इस बात को, शुरू से लेकर के जब से मूवी सोलंकी साहब सुन लीजिए, जब से सिनेमा बना है तब से क्या दिखाया गया, राजपूतों को रेपिस्ट दिखाया गया कि जब किसी की शादी होके आती है तो वो राजपूतों के परिवार में पहले जो है स्वागत उसी के साथ मनाना पड़ता है। सीधा सीधा मैं अगर बोलूं आपको तो ये दिखाया गया मूवी में, पंडितों को ठग दिखाया गया कि पंडित हैं, लग लगाते हैं, ये तो बिल्कुल पोंगा पंडित हैं, ढोंगी पंडित हैं, और उसी मूवी में बनिए को दिखाया जाता था कि ये तराजू मारता है, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है साहब। सबसे ज्यादा जो है शूद्र को किस तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया जाता था कि शूद्र लड़का है, राजपूत की लड़की है, शादी नहीं होने दे रहे इसलिए जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं, और जो उसमें अब्दुल चाचा हैं वो दिखाए जाते हैं पांच वक्त नमाजी हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार इस दुनिया पे केवल ईश्वर हो सकता है, उसके अलावा और कोई ईमानदार ही नहीं है, क्योंकि वही तो अकेले धरती पर आए थे, तो दिन में पांच बार नमाज पढ़ते हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, और बाकायदा जो है इस धरती पर जिंदा है वो भी बिना हवा लिए हुए। इस तरीके से प्रस्तुतिकरण ये सिनेमा जगत करता आ रहा है, लेकिन आज इनकी जरा सी सच्चाई द कश्मीर फाइल दिखा दिया गया। आप बताइए कि किस पठान की बीबी बिकनी पहनती है, हमने तो आज तक यही सुना है कि वो बुरके में रहती हैं, अब ये बुरका बिकनी में कब बदल गया ये पता ही नहीं चला, बाहर आप बुरके की मांग कर रहे हो, सिनेमा जगत के अंदर आप बिकनी पहना रहे हो, कर क्या रहे हैं आप, क्या चाहते हैं आखिर, आप तो इस्लाम को भी नेस्तनाबूद कर रहे हैं ना, ये तो इस्लाम में भी बिकनी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में बिकनी है क्या? एक तरफ भगवा का अपमान करके आप फ्री में टोल हो गए और हिंदुओं का आपने हिंदुत्व का अपमान किया, लेकिन दूसरी तरफ वही आप पठान का नाम रख करके बिकनी पहना रहे हैं बुरके की जगह, तो ये क्या इस्लाम अब खतरे में नहीं है, क्या कोई फतवा जारी नहीं हो सकता? देखिए मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगा, आपने जो पठान मूवी जो इतनी भी मूवियों के बारे में बोला तो आप भी ये बात जानते हैं, सभी देशवासी इस बात को जानते हैं, ठीक है, कि भाई मूवियों के अंदर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा है, क्या हम सबके सामने परोसा जा रहा है नहीं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार शाहरुख खान नहीं है, इसके लिए अगर जिम्मेदार शाहरुख खान को अगर कोई मानता है तो मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इसके लिए
जिम्मेदार सिद्धार्थ आनंद है। सिद्धार्थ आनंद ने अभी पिछली बार मूवी बनाई थी बार, एक समझने वाली चीज है, मैं समझाता हूँ आपको। और जो वाणी कपूर थी उसकी वो अभिनेत्री थी, उन्होंने राम नाम का वो जो पहना हुआ था वो इतनी गंदी और अश्लील पोशाक पहनी हुई थी, उसके बाद उनको गालियां पड़ी, ट्रोल हुई और हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट किया। यही सिद्धार्थ आनंद थप्पड़ खा जाता है इसी सेट पर। पठान की मूवी अभी कुछ दिन पहले हुई थी और जब ये शूटिंग चल रही थी तो शूटिंग के दौरान इसी डायरेक्टर की मार भी बहुत ज्यादा हुई थी, थप्पड़ पड़े थे। और उस थप्पड़ कांड की घटनाक्रम भी आप गूगल पर पढ़ सकते हैं कि सिद्धार्थ आनंद कूटा गया था एकदम। लेकिन किसी ने तो इतनी तैयारी होगी, जो कास्ट है वो तय करती है कास्टिंग वाले। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं मैं निकालना चाहूंगा। सिद्धार्थ आनंद कौन है? वो कोई मुसलमान तो नहीं है। और सिद्धार्थ आनंद जब डायरेक्टर है तो वो तय करेगा ना। मैं इस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। इस पे जो इतना जो चल रहा है बॉलीवुड के अंदर, जो ऐसी मूवियां बन के आती हैं तो वहां पे सभी लोग इसको देखते हैं, तो सरकार की भी इस पर परमिशन रहती है। सरकार ऐसी मूवी को परमिशन ही क्यों देती है जी? आप मानते हो या नहीं मानते इस बात को? सरकार ऐसी मूवियों को परमिशन दे रही है। आने वाले समय में जब लोग जागरूक होंगे तो परमिशन नहीं दी जाएगी। सरकार भले ही कितनी परमिशन दे दे, अगर हिंदू हिंदुओं को कूटना शुरू कर दे तो ये गलत चीजें चली जाएंगी। हम लोग मुसलमानों को दोषी मानते हैं, हम लोग ईसाइयों को दोषी मानते हैं, हम लोग लोगों को दोषी मानते हैं। हिंदू हिंदू को क्यों नहीं कूटता है अगर वो गलत काम करता है? या तो हिंदू धर्म ही त्याग दे, उसके बाद में नंगा नाचे, क्या दिक्कत है? हमारी आस्था को चोट पहुंचा रहा है वो भी हिंदू ही बन करके। हमारा कोई भाई बना रहे और हमारा ही गला काट दे तो उसको अपराधी नहीं माना जाए इस बिना पर कि वो हमारा भाई है। टिप्पणी करना चाहूंगा मैं इस पर, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। जो अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने समाज का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो समझो किसी काम का नहीं। जी नहीं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे धर्म गुरु जिम्मेदार। आप समझिए, हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं, उनका काम है कि जो लोग भी सनातन के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको हिंदू धर्म के खिलाफ निकाला जाए, उनको हिंदू धर्म से ही वंचित किया जाए, उनको निष्कासित किया जाए और ये कहा जाए कि ये हिंदू धर्म से इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कानून भी कल को मानेगा, लेकिन हम कहां हैं? अपनी पोजिशन क्या बनाए हुए हैं? दूसरों पर गलतियां ला करके, दूसरों की गलतियां बता करके, इस्लाम में गलतियां निकाल करके, क्या हिंदुओं के अंदर जो हिंदुत्व को खत्म करने वाले हिंदू हैं क्या उनको नकारा जा सकता है? क्या हम इस्लाम की गलतियां निकालेंगे उससे क्या हिंदुत्व बढ़ जाएगा? या हम मुसलमानों पर कोई चीज थोप देंगे उससे क्या हिंदुत्व बढ़ जाएगा या फिर हिंदुवाद बढ़ रहा है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे, इसका दोषी सबसे ज्यादा कौन है, सिद्धार्थ आनंद या शाहरुख खान? शाहरुख खान ने तो केवल एक्टिंग की, लेकिन लिखने वाले कौन है? गाना कौन लिखने वाला है? रंग तो बेशरम है ही, उसमें क्या शक है? उन्होंने गाना लिखा ना कि भगवा बेशर्म है। किस लिए बेशर्म है? कूटे नहीं गए। मैंने आपसे बेशर्म किस लिए है? बायकॉट कहीं नहीं हुआ है जी। मैंने आपसे पहले अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, वही बात मैं अब कह रहा हूँ। जो अपने धर्म का नहीं, जो अपने देश का नहीं, जिसको अपने माँ बाप के सम्मान की परवाह नहीं, चाहे वो सिद्धार्थ आनंद हो, चाहे इसकी जगह पे कोई भी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे हिंदू में, हमारे हिंदुओं में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं बॉलीवुड के अंदर, जो अपने समाज का नहीं, अपने धर्म का नहीं, वो किसी काम का नहीं, उसे उस देश में, इस देश, भारत देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं। और ऐसे लोगों के ऊपर जितनी कार्रवाई हो उतनी। सिद्धार्थ आनंद को कौन सा आप पाकिस्तान भेज रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि आपकी क्या पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ आनंद को आप मेल करेंगे कि आप लिखेंगे या उनको नोटिस आप भिजवाएंगे और आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए? आपका तो कोई काम ही नहीं है। आप हर बार हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुसलमान लड़वाते हैं, आप इस देश में रहने के लायक नहीं है। आप तो वो लायक नायक नहीं नालायक पैदा कर रहे हैं और आप खुद एक महानालायक हैं कि आप ऐसा लिखेंगे। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ खुले मन से, ऐसे नायक नहीं हमारे हो सकते, ये नालायक हो सकते हैं, ऐसे नायकों की आवश्यकता भी नहीं है जी बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, हम तो जो करेंगे ही, और आपने तो पता ही है राजपूतों का इतिहास। राजपूत तो जो कहते हैं करते हैं, वादे के पक्के होते हैं, जिससे एक बार वादा कर लिया वो वादा मरते दम तक निभाते हैं। राजपूतों से अगर प्यार से मांगोगे तो राजपूत दे देंगे, अगर जबरदस्ती छीन के मांगोगे तो राजपूत उसका नामो निशान मिटा देता है। लेकिन वो स्थिति नहीं रही है,
आज के दौर में चीजें बदलती जा रही है। आज एक केस लगवा दिया जाता है एससी एसटी का झूठा और राजपूत की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है जेल के अंदर। क्या कानून बदला? बिल्कुल बिल्कुल। एक राजपूत के ऊपर झूठा केस लगवा दिया जाता है तो जेल के अंदर ही सड़ जाते हैं। ब्राह्मण के ऊपर लगवा दिया जाता है, ब्राह्मण सड़ जाते हैं। क्या क्या कुछ बदला? एसटी कानून के लिए मैं इस पे आपसे कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सभी देख रहे हैं, सभी भाई हैं, सभी से मेरा निवेदन है और सभी को मेरा कहना है, सर्वण समाज है, हमारे जितने भी भाई हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, सभी से 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल, 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल, 23 जनवरी 2023 8 जनवरी जी जन आंदोलन होने जा रहा है जी, जिसका नेतृत्व मतलब समझ ले, जो एक नारा दिया गया था एक दशक पहले, एक 2-3 दशक पहले एक नारा दिया गया था तिलक। आपने एसटी के लिए बोला, मैं इस पे आप कहना चाहूंगा, इससे जितने पीड़ित हैं, जितने हम लोग जितने पीड़ित हैं और हमारा श्रवण समाज है इतना पीड़ित है, इतना शायद कोई नहीं है। एसटी ये कानून है, आरक्षण है, ये है, क्या है ये भाई? आरक्षण किसको मिलना चाहिए? आरक्षण एक गरीब परिवार को मिलना चाहिए, ना मंत्री के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत, कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत? दशक पहले कुछ नालायकों की पार्टी ने एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये चला था। क्या आज के दौर में जो नायक बने बैठे हैं इन के, जो नायकों की बात करते हैं कि हम बहुत महानायक हैं, हम तो इनके अवतार हैं, उनके अवतार हैं, क्या उन लोगों को आज के दौर में, सुन लीजिए आप पूरी बात, कि तिलक तराजू और तलवार मांग रहे अपना अधिकार, क्या ये नारा नहीं हो सकता है आज के दौर में? क्या अपने अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए तिलक तराजू और तलवार को मिलकर के? जी वो जमाना गया, जो लोग ये कहते थे ना, वो जमाना गया जी, ये जमाना कुछ और है। आज हर श्रवण, आज हर श्रवण भाई और हर राजपूत भाई जी अपने आप में जागरूक है जी। बिल्कुल गलत का गलत, गलत बिल्कुल नहीं सहेगा, वो हर का मुंह तोड़ जवाब देगा। हर जो भी गलत होगा हमारे श्रवण समाज के साथ, हमारे राजपूत भाई के साथ, सबका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दे रहे हैं हम लोग। जितना हमसे हो रहा है, जितना हमारे समाज से, श्रवण समाज से हो रहा है, राजपूत समाज से हो रहा है, सभी दे रहे हैं, वो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देते रहेंगे हम लोग। और 8 जनवरी के लिए सभी आमंत्रण है, 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना का समर्थन पत्र है ये, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना। मैं श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ, हमारा समर्थन पत्र है ये, हम भी मौजूद रहेंगे वहां पे। आप सभी से विशेष निमंत्रण है, सभी भाई पहुंचे वहां। और कानपुर देहात वाले मुद्दे पे आपने मुझे बीच में आपने ये मुद्दा लाके रख दिया, मैं कानपुर मुद्दे पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जितने भी ये दोगला है, सुरेश सिंह विष्ट जी लिखते हैं जय श्री राम, विशाल ठाकुर जी भी आपको जय श्री राम बोल रहे हैं, और स्नेह सिंह जय माँ भवानी, जय राजपुताना, जय राजपुताना। और जी मैं अपने सभी भाइयों को, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके कोई सवाल हैं तो हम उनकी फोटो और नाम के साथ में सवाल दिखाएंगे। जो लोग धर्मवीर सिंह सोलंकी जी से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, क्योंकि वो एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं एससी एसटी के खिलाफ, जी, बड़ी लड़ाई भी छेड़ रहे हैं, कानपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसके खिलाफ भी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 जनवरी को उनका एक प्रदर्शन हो रहा है एससी एसटी के खिलाफ। अगर किसी का सवाल है तो वो दिखाएं, हम उनके नाम और फोटो के साथ में हम स्क्रीन पर भी सवाल पूछेंगे जी, अगर कोई सवाल है मन में जी, तो मैं उनसे हमारे सभी जय श्री राम, जो भी भाई हैं हमारे जय श्री राम, प्रणाम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। जय श्री राम, जय श्री राम। सुरेश सिंह बैस जी ये हमारे राष्ट्रीय, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और हमारे मुखिया भी हैं, और श्री राणा सुरेश सिंह बैस जी हमारे मार्गदर्शक भी हैं,
श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना के एक वरिष्ठ सलाहकार भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और बात करो तो हमारे श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना के हमारे गुरु भी हैं जी। देश के अंदर अगर हम बुजुर्गों को लेकर के साथ में नहीं चलेंगे, देश में हम उन लोगों को लेकर के नहीं चलेंगे जिनकी पीढ़ियों का भी बलिदान यहाँ गया है, और जिनकी पीढ़ियां बुजुर्गों ने देश के लिए बलिदान दिया है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, हम अपने जब पुरखों की बात करें तो हमारे पुरखों को अगर साथ में लेकर के न चला जाए और ये कहा जाए कि ये विदेशी है, इनका तो डीएनए विदेशी है, ये आए कहाँ से है, ये तो यहाँ के नहीं आर्य यहाँ कहाँ थे, तो भैया कौन से देश से आए थे, वो देश जो है ये लोग तय कर लें और बता दें कि हम इस देश से आए थे, उसी देश में जो है अधिकार मांग लेंगे जाकर के जी। देखिए मैं आपसे कानपुर देहात मुद्दे के बारे में एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। जैसे आपने भी सुना होगा, सभी देशवासियों ने सुना है कि 4 लाख रुपए देके और 4 बीघा जमीन देके उस परिवार को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, उसकी जानकारी उस परिवार को है भी नहीं जी। जो ये चीज हुई है उसकी जानकारी उस परिवार को हुई है भी नहीं, तो परिवार का कहना है, परिवार का कहना है कि भैया हमें तो इस बारे में पता भी नहीं, ये ऊपर ही ऊपर जितने भी ये दोगला ये राजनीति खेल रहे हैं, ये गलत राजनीति खेल रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात कहूंगा, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना उनके लिए हमेशा डंडा और तलवार लेके हमेशा तैयार है, या तो ऐसी दोगली राजनीति खेलना बंद करें। क्योंकि मैं एक बात कहूंगा कि अगर आज बलवंत सिंह के साथ हुआ है, नहीं लेकिन देश में संविधान का क्या होगा, कानून का तो पालन कम से कम करना चाहिए ना। आप संवैधानिक तरीके से भी तो कोई संगठन जा सकता है, आप अदालत की शरण ले सकते हैं, आप अदालत को लिखित आप लेटर भेज सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लाठी और डंडे की क्या जरूरत है। इस देश में अगर हम शांति से बातचीत कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि लड़ने की जरूरत है। जो दांव पेच वो इस्तेमाल कर रहे हैं वही दांव पेच आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे संगठन भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कानूनी पेचों में फंसा रहे हैं, तो आपके पास कानूनी पेच कम है क्या। शांति 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 की एक सीमा होती है, अगर शांति के कारण अगर हमें आजादी मिलती तो आज भगत सिंह फांसी पर नहीं होते, सुखदेव फांसी पर नहीं होते, राजगुरु फांसी पर नहीं होते। शांति के कारण अगर हमारा देश आजाद होता, आज हम ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान सिद्धराज जयसिंह सोलंकी जितने भी हमारे क्षत्रिय पूर्वज हैं, मंगल पांडे हैं, जितने भी हमारे हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, अगर शांति के कारण ये होता तो ये हमारे पूर्वज बलिदान नहीं देते। आज जो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर शांति कारण ऐसा होता, अगर हमारे पूर्वज ये जितने भी हमारे पूर्वज हैं, मंगल पांडे हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, मेहर भोज प्रतिहार बिल्कुल, राजा अंगपाल तंवर, सिद्धराज जयसिंह सोलंकी, जितने सारे राजा पैदा हुए हैं, अगर ये नहीं लड़ते तो आज जो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं और आज ये देश हिंदी में बात कर रहा है, तो ये किसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ रहा होता, वो भी उर्दू में, और उर्दू में बात कर रहा होता। इस चीज को आप मानते हैं या नहीं मानते। मैं कुछ सहमत हूँ और असहमत भी हूँ, वो इसलिए कि जब आप महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो आप उनके प्रधान सेनापति हाकिम खान सूर को भूल जाते हैं, अगर उन्हें कोई समस्या होती तो उनको नहीं जोड़ते। जब आप महारानी लक्ष्मीबाई की करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि उनको अग्नि देने वाला उनका मुंह बोला भाई भी मुसलिम ही था, और जब बात हम हिंदू राष्ट्र की करें तो वीर शिवाजी के आठ सेनापति जो है वो मुस्लिम थे। हम किसी भी सेना की बात करें, जब अकबर का प्रतिनिधित्व मानसिंह करते थे जी, जब अकबर का प्रतिनिधित्व मानसिंह करते थे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मानसिंह जब करते थे, मानसिंह को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, क्या इतिहास के पन्नों में इतना बड़ा स्थान रखते हैं मानसिंह, आज तक बहिष्कार क्यों नहीं हम कर पाए। देखिए मानसिंह जी की अगर बात करें ना, तो आज जो जितने भी हम तीर्थ धाम स्थल जाते हैं ना, जो आज राजा मानसिंह जी की ही देन है जी, ये राजा मानसिंह जी की ही देन है, जो आज हम तीर्थ धाम ये जितने भी पर्यटन हैं और इन पे हम जाते हैं। महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भी मानसिंह ही उस समय सेनापति थे, जिस समय महाराणा प्रताप से युद्ध होता भी था तो अकबर की तरफ से वो लड़ाई भी करते थे,
इसके लिए भी तो इतिहास हमें देखना चाहिए। हमने अपने पुरखों को खो दिया है भगवानों को लाने के लिए, तो हम कैसे देखें। अकबर ने भी मंदिर बना दिया था तो क्या भगवान हो गए हमारे लिए? क्योंकि हमारे लिए तो मुगल आक्रांता थे, हैं और रहेंगे और रहने भी चाहिए। इससे अधिक और कुछ नहीं होने चाहिए वो हमारे जीवन। देखिए मैं इस पर एक जो भी छोटी सी बात करूंगा, जो भी है ये इतिहास है, आप भी जानते हैं इस बात को, सभी जानते हैं इतिहास के साथ छेड़छाड़ी, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है। आज आप मुस्लिम आप बात कर रहे हो इतिहास के बारे में, तो आज हमारे हिंदू इतिहास को, आज हम हिंदू इतिहास के ऊपर देखे हैं जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो आज हम जाते हैं यहाँ पे तो आज हमें गलती पढ़ाया जाता है। नहीं लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप कैसे मानते हैं? सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार हिंदू है ना कि मुसलमान है। आप देखिए फेसबुक ट्विटर हर जगह आप देखेंगे एक प्रजाति नई बनी है जिनको नबौद कहा जाता है। अम्बेडकर बाद में इतना सब कुछ हो गया कि दिन रात गाली गलौज करते हैं और हम कहाँ हैं? एक FIR तो उनके खिलाफ नहीं होती है। दिन रात गाली गलौज करते हैं ना अम्बेडकरवादी, दिन रात गाली गलौज करते हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसे आतंकवादी लोग कहाँ हैं? क्यों गाली गलौज करते हैं भाई? हम तो अम्बेडकरवादियों को गाली गलौज नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग गाली गलौज दिन रात करते हैं और उनके ऊपर एक FIR नहीं, वो जेल के अंदर नहीं और सालों साल से भौंक रहे हैं कुत्तों की तरीके से। तो ये आप उन सरकार से कहिए ना, ये जिम्मेदारी ये मुसलमानों की नहीं है ना, सरकार को पहुंचाई है ना। मुसलमान तब बोलते हैं जब उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है, लेकिन इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं तो इस देश में सबसे ज्यादा जो अपमानित करने वाली बात है, अगर आप कोई अपशब्द बोल देंगे तो आप तो जेल के अंदर हो जाएंगे, लेकिन आप चिल्लाएंगे कि ब्राह्मण विदेशी है, आपको कोई जेल नहीं है, आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, मतलब संविधान सिर्फ आपके लिए है और बाकी लोगों के लिए तो जेल बनी है। इसका मेन कौन किसको मानते हो आप? नहीं, मैं तो इसका केवल हिंदुओं को ही मानता हूँ, मैं सिर्फ हिंदुओं को मानता हूँ। हिंदुओं को मानते हो ना? हिंदू है उसमें मानने में जैसा कोई सवाल ही नहीं है। आप देखिए ना, देखिए जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं 2014 से लेकर के अभी तक इस निंदा कानून नहीं बना पाए कि अगर कोई किसी के धर्म को गाली देगा, कोई किसी की जाति को गाली देगा तो ये सजा तय होगी। सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही जाति को गाली दी जाएगी तभी केवल पकड़ा जाएगा, आप दूसरे गाली देते रहे उसके लिए कोई नियम ही ना हो। सवर्ण एक्ट क्यों नहीं बन रहा है देश में? ब्राह्मण एक्ट और फिर ठाकुर एक्ट भी बनना चाहिए कि अगर ठाकुर को किसी ने गाली दे दी, ब्राह्मण को गाली देने की छूट है इस देश में, क्षत्रियों को राजपूतों को गाली देने की छूट है, वैश्यों को गाली देने की छूट है। इसके लिए मैं कहूंगा ये जितने भी है, ये जितने भी अंबेडकरवादी है, जो भी है, सरकार इनका साथ दे या कुछ भी करे, 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल को खास करके, भोपाल जाम हो जाएगा, सरकार की सांसें बंद कर देंगे हम लोग जी। सरकार का साथ लेना मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी की सरकार है ना, मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी की सरकार है, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और भाजपा अरे शिवराज सिंह चौहान तो खुद ये कहते हैं अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं CM नहीं होता, अगर आरक्षण नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी PM नहीं होते। ये सरकार की ही वो है जी। ये सरकार की ही वो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, राजपूतों का तो कांग्रेस तो हमें इतिहास गलत पड़ा गई और भाजपा हमें रहम राजपूतों को काटने पर लगी हुई है, सारी पार्टियां हम राजपूतों को काटने पर लगी हुई है। राजपूत मैं एक्चुअली सोलंकी साहब, इस देश के अंदर जहां एक तरफ ब्राह्मण संगठन ये कहते हैं कि राजपूत संगठनों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है सरकार का, राजपूत संगठन जितने हैं वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण संगठनों के साथ जो है वो सही व्यवहार हो रहा है, परंतु हमारे साथ तो सही व्यवहार नहीं हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं कि कहीं आपस में फूट डाली जा रही है सवर्णों में? देखिए मैं इस पर एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, चाहे वो संगठन किसी का भी हो, संगठन कोई भी हो, जो भी संगठन इस नेताओं की चाटुकारी करता है और जो नेताओं की हाँ में हाँ मिलाता है उसको बाकायदा फंडिंग मिलती है और उसको समर्थन मिलता है, इस बात को आप भी मानते हैं, जो इन नेताओं की चाटुकारी करते हैं और इन नेताओं को हाँ में हाँ मिलाते हैं, गलत में भी हाँ मिलाते हैं, सही में तो हाँ जो है तो है लेकिन गलत में भी हाँ मिलाती हैं, तो ऐसे नेता और ऐसे संगठनों को मैं राजपूत समाज का ही नहीं,
इस देश में बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे समाज के संगठन है। मिस्टर इतने सिंह लिखते हैं कि हमारे समाज के साथ अन्याय होगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे, सभी लोग अगर शांत नहीं है। कुंवर विकास सिंह भदौरिया युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना उत्तर प्रदेश, और विशाल ठाकुर जी लिख रहे हैं, समस्त सम्मानीय मित्रों एवं संगठन पदाधिकारियों से निवेदन है कि कृपया कर आप सभी मिलकर भ्राता श्री स्वर्गीय बलवंत सिंह सेंगर जी की निर्मम हत्या के खिलाफ आवाज उठाएं, आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। और ये पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती हैं, क्या वो अफसर जो है तलाशते हैं। यदि सरकार ने हमारे समाज के साथ न्याय नहीं करेंगे, स्नेह सिंह लिखते हैं, तो जरूरत पड़े लाठी भी चलाएंगे और तलवार भी उठाएंगे, भले ही हमें जेल क्यों न जाना पड़े। मैं इस प्रकार की कई चीजों का समर्थन नहीं करता, क्योंकि लड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मार काट का तरीका ये असंवैधानिक है। देखिए हम राजपूतों का तो एक ही तरीका है। विकास लिखते हैं कि आप संघर्ष करो, हम सभी आपके साथ में हैं, समस्त समाज जन आंदोलनकारी करने के लिए तैयार हैं, लोकतंत्र हटाओ राजतंत्र लाओ। तो एक ही तरीका है, हम राजपूतों का एक ही तरीका है। और राजपूत मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं, और मेरा चैनल जिम्मेदारी के साथ में ये चीज जो है जानता है। और इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, अगर हिंसा का समर्थन आपका आज को करेंगे, कल को हमें मुसलमानों का भी करना पड़ेगा, परसों में सिखों का भी करना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा सभी लोगों के लिए फिर हो जाएगी, रहेगा कौन। धरती तभी है जब शांति है, और शांति से भी बातें मनवाई जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शांति से चीजें ना आए। सरकार भी झुकती है कि बड़े से बड़े आंदोलन होते हैं, क्या किसानों का आंदोलन आपने नहीं देखा, कितना बड़ा हिंसक था, क्या उन्होंने जाकर के मंत्रियों को उठा लिया, क्या उन्होंने सरकार को हिला दिया, लेकिन बैठ करके उन्होंने सरकारें हिला दी, सरकार की चूलें हिल गई, दिल्ली के दरबार हिल गए, और उनको वो वापस फैसले लेने पड़े। तो शांति से भी समर्थन किया जा सकता है, बसरते उसके लिए लोग सहमत हों और शांति से आंदोलन करें तो सही, वो नियम भी हटेंगे और बदलेंगे भी, बदलाव भी आएगा। शांति से समाज को वहां पे शांति से बात करते हुए, ऐसी बात नहीं है, हम शांति नहीं चाहते, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन आप क्या पुलिस के ऊपर आप लाठी चार्ज करेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल 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 होगा, जब शांति से बात नहीं होगी, जब शांति से बात नहीं होगी। देखिए मैं इस तरह से आपको अगली बार से नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए आप माफ करें, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के हिंसात्मक व्यक्ति को और हिंसा को, दोनों चीजों को मैंने पहले भी कहा है कि चैनल समर्थन नहीं करता, गलत के साथ जो है मैं नहीं हूं, मैं केवल हमेशा सही के साथ खड़ा हूं, और संवैधानिक दृष्टिकोण से जो सही होगा सिर्फ उसके साथ, जो चीज गलत है उसके खिलाफ मैं जितना बोलता हूं शायद ही कोई एंकर बोलता हो, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अगर हिंसक हो जाए फिर हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। उनके लिए जो सजा है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से वो सही हो सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें उतरना पड़ेगा। हत्याएं ही अगर सही होती तो गांधी जी और गांधी जी के लोग जो है वो उतर गए होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सारे लोग शुरुआत से उतर गए होते, क्या उनके परिवार के लोग थे? नहीं गए, एक अकेला व्यक्ति काफी था, लेकिन सेनापति और चीजें हुई, वो दौर और था, हम अंग्रेजों को मार रहे थे। आज तो हमारे हर किसी के आधार कार्ड पे हिंदुस्तानी लिखा है ना, आप किसी को अंग्रेज समझ के तो नहीं मारेंगे जी। लेकिन लेकिन वो तो हिंदुस्तानी नहीं मार रहे ना, वो तो अपने आप बिल्कुल मानेंगे, वो तो बिल्कुल मानते हैं, और उनको मानना पड़ेगा, उनके न मानने से हमारे हमारे पास अदालतें हैं, हमें अदालतों से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस देश में आप बात करते हो, इस देश में अदालतों से ऊपर कोई नहीं, अदालतें आज तक जो भी करती आई हैं उनमें वहां सही होता रहा है। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संगठन अपने समाज के प्रति जागरूक न होकर के चाटुकारिता में लगे हैं, समाज का गला घोंट रहे हैं, ऐसे संगठन समाज के संगठनों के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। विकास भदौरिया बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे संगठनों को, हमारे लोगों को। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा हैं, इसका सबूत हम दें, सरकारों को हम चेताएं कि हमारे साथ में जो गलत हो रहा है वो हम अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें सरकार के खिलाफ बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम ये कहें कि हम किसी को रोक लेंगे और हम हिंसा का समर्थन करें और हम हिंसा के साथ में अगर उतरे, तो मैं उसके साथ में नहीं हूं, क्योंकि आप माफ कीजिए, मैं इतना बड़ा गांधीवादी तो नहीं हूं कि कोई थप्पड़ मारे और मैं चुपचाप सहन करूं, उसके लिए तो मैं तैयार हूं। लेकिन दो चीजें हैं कि कोई थप्पड़ ना मारे और उसको हम मारने के लिए जाएं कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं मारूंगा, मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता। जहां बात शांति से समझाई जा सकती है वहां शांति से ही होगी। अगर कोई मारने आएगा आत्मरक्षा में, तो हमें संविधान भी इजाजत देता है, किसी के ऊपर लाठी तो हम तभी उठाएंगे जब कोई लाठी हमारे ऊपर उठाएगा जी। देखिए अब ये बात पुलिस प्रशासन ने सोची थी क्या?
किसी की हत्या कर दी गई, उस भाई की हत्या कर दी गई, तो ये भी शांति से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? पुलिस प्रशासन के लिए हत्या बहुत मामूली बात है, हर साल हजारों हत्याएं ऐसे हो जाती हैं। क्या उन हजारों हत्याओं के लिए पुलिस को दोषी ठहराया जाता है? सिस्टम ही बचाता है, सिस्टम ही जांच करेगा और वो एक क्लीन चिट भी दे देंगे, इस व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं था। आप हत्या की बात करते हैं, पुलिस वालों ने तो बलात्कार थानों के अंदर कर दिए, और कितने किए हम ये भी जानते हैं। क्या आपने नहीं पढ़ी ऐसी घटनाएं? बिल्कुल बस राजपूत जी लिखते हैं कि समाज में सबसे अधिक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सवर्ण समाज को भ्रमित किया जा रहा है। ये इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि आज सवर्ण समाज जो है वो भ्रमित क्यों हो रहा है, कारण उसका बहुत बड़ा है। सवर्ण समाज में आपस में ही लोग भ्रमित करते हैं। प्रवक्ता कौन है आप देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी हैं, शर्मा जी कांग्रेस के हैं, दूसरे शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब सारे वहां ब्राह्मण और राजपूत ही बैठे हैं, वही पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किसके खिलाफ बोलेंगे? जी ऐसे हम सवर्ण को भ्रमित करने के लिए सवर्ण ही जिम्मेदार है, ऐसा हम सभी के खिलाफ बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक के जितने भी हैं, अगर हमारे राजपूत समाज के भी नेता जी जब वोट बैंक की बारी आती है तो वोट मांगने चले आते हैं, भैया वोट दे दो हमें, वोट बैंक की भीख मांगने चले आते हैं। चुनाव के समय पर जब चुनाव निकल जाता है तो समाज को भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई समाज है और हमारा भी परिवार है। मैं तो इनके लिए सरकारें जो बाधा करती हैं वो बाधा नहीं निभा पाती हैं, और हमारे जब अधिकारों की बात आती है तो उस पर मौन हो जाती है कि कहीं अधिकार दे दिया तो दूसरा वर्ग तो नाराज नहीं हो जाएगा, कहीं दूसरी जाति तो नाराज नहीं हो जाएगी, कहीं दूसरा धर्म तो नाराज नहीं हो जाएगा। अगर राजपूतों को हमने ये कर दिया, ब्राह्मणों को ये कर दिया, इस बात से मैं सहमत हूँ जी। जो समाज का नहीं है जी तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, और हम इतने कायम है अपने दम पर न्याय दिलाना और न्याय लेना, अपनी हक पर लेना जानते हैं। धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, जितना हमसे होगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम लिखते हैं कि भ्रम फैलाकर समाज में विद्रोह करना उनका सवाल है, उन्होंने जी इसे आप पढ़ें और आप इस पर क्या कहेंगे सुरेश सिंह जी को? भ्रम फैलाकर समाज में विद्रोह करना राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा बन चुका है, और इस एजेंडे को हमारे समाज को समझने की आवश्यकता है, चाहे बीजेपी हो और या कांग्रेस या अन्य दल, सभी समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति है सारी जी, वोट बैंक के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं जी। प्रियांशु सिंह सोलंकी लिखते हैं, अगर पुलिस हर साल ऐसे बेगुनाह को मारेगी तो मैं ठाकुर प्रियांशु सिंह सोलंकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भवानी सेना लट लेकर बैठा हूं ऐसों के लिए, लेकिन पुलिस के साथ में लटबाजी नहीं कर सकते हैं प्रियांशु जी। आप जो है तरीके अपना सकते हैं, हम अपने बच्चों में जागरूकता कम पैदा करते हैं, अगर अपने परिवारों में हम वकील बनाएं, अगर अपने परिवारों के बच्चों को हम पुलिस में अगर भर्ती करवाएं, अपने बच्चों को हम जो समाज को आप क्या संदेश देंगे? मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक परिवार में क्या एक अधिवक्ता नहीं होना चाहिए? प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति पुलिस में नहीं होना चाहिए? क्या प्रत्येक परिवार में व्यक्ति आर्मी के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? क्या ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि समाज के लिए ही लड़ते रहेंगे? अगर हम सिस्टम में ही नहीं होंगे तो हमें तो खत्म कर दिया जाएगा, इसमें क्या सकते? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, इस मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात कहूंगा मैं जी, गलत का साथ ना तो हमने कभी दिया है, ये हमारे माता पिता और हमारे पूर्व। मैं गलत की बात और सही की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर हमारे लोग सिस्टम के अंदर नहीं है तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार इस चीज के लिए कौन है? अगर हम सिस्टम में ही नहीं रहेंगे तो हम लड़ कैसे पाएंगे? पूरे सिस्टम पर अगर कब्जा किसी एक विशेष का हो जाएगा, बाहर से लोग, हम लोग केवल लट उठाए उठाए सड़कों पर घूमेंगे और वो एग्जाम दे रहे होंगे यूपीएससी के, आईएएस के, आईपीएस के जी। बिल्कुल, आज सर्वन समाज को आज हम ये मतलब आईपीएस एसआई के लिए ये छोड़ा ही नहीं, इसकी तैयारी के लिए छोड़ा ही नहीं कि ये लोग आईपीएस अधिकारी ये बन सके और इसकी तैयारी कर सके, क्योंकि देखिए आपको बुरा लगेगा, सभी को बुरा लगेगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो एंकर हूँ ना, तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ,
पहली चीज, और ना तो मैं किसी समाज का बड़ा नेता, मैं पत्रकार हूं, मैं यहां बात रखता हूं, सभी को मंच देता हूं, आप भी आ जाए हैं हमारे शो पर, और आपको बात रखने का पूरा अधिकार है क्योंकि ये मंच आप लोगों का ही है, यहाँ पर आप बात रख सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सरकारों तक, जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकें। ना तो हमारा कोई दोस्त है और ना तो हमारा कोई दुश्मन है यहाँ, ना तो राजनीति में और ना कहीं, वो इसलिए कि हमारा जो काम है वो हम अपने बखूबी कर रहे हैं। हम देश के चौथे स्तंभ में, हम अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम जो पीड़ितों की आवाज है उसको बुलंद करना और उनकी आवाज को जो कानों में जो ठेंट पड़ चुकी है, मैल जम गया है, उन कानों तक ले जाना, सुनवाना, कि इस पर भी आप कार्यवाही करिए। देखिए, हाँ, आपने भी 2-3-4 महीने पहले की बात है, आपने हमारे राजकीय समाज के भाई पुलिस वाले समाज के, जो समाज के लिए, समाज के हित में नहीं और एक कानून के हित में ही काम करना चाहते हैं, कानून के हित में काम करना चाहते हैं, तो मैं उसमें भी एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। ये लोग समाज के जो भी है, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे बनिया समाज से हो, चाहे वो राजपूत समाज से हो, जो भी कानून का पालन करना चाहते हैं, उन्हें ये राजनेता जो नेते हैं ना, जो नेता, वो उन्हें काम नहीं करने देते जी। अगर वो समाज के हित में काम करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, जो पुलिस प्रशासन है वो जनता के सेवक हैं या ये नेताओं के सेवक हैं? बिल्कुल जनता के सेवक हैं, उसमें डेफिनेटली ये लिखा हुआ है कि वो जनसेवक हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के लिए बने हैं, वो जनता की नौकरी करते हैं, सरकार की नौकरी नहीं करते हैं। और लेकिन ये हर बार होता है कि वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से ही उनका वेतन जाता है हर महीने, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मुझे बताइए, इसका प्रभाव किस पर जाता है? सीधा सीधा जो भी पुलिस वाले हैं, जितने भी देश में हमारे पुलिस भाई हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जो देश की सेवा अपनी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आप दोषी किसे ठहराएंगे सबसे ज्यादा? देखिए, इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो हम शेयर एक घंटे बैठ करके इधर उधर की चीजें देखते हैं ना, उसमें जैसे बलवंत सिंह हत्याकांड की चीज को इतना लोग पॉपुलर करें, इतना लोग फैलाएं, इतना शेयर करें, कि जो फटे पड़े पर्दे जो हैं कानों के, वो भी सिल जाएं और वो भी ये सुन लें कि हत्याकांड हुआ है, तो एक से अगर सबक लेंगे तो हजारों पुलिस वाले इससे सबक लेंगे। कार्रवाई होगी, लेकिन हर कार्रवाई तभी होती है जब हम सड़कों पर उतरते हैं। अगर घर पर बैठे रहेंगे, जितने भी आज बड़े केस हल हुए हैं वो केवल सड़क पर उतरने के बाद ही हल हुए, तो सड़क पर तो जनता को उतरना पड़ेगा, सड़क पर तो लोगों को उतरना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, दो मैं इस पे एक कहना चाहूंगा, जो हत्याकांड हुआ है, शासन प्रशासन इस पे संज्ञान ले, जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी हैं, या तो इनको सजा दिलाए, अगर सजा नहीं दिला पाते हैं, कानून शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश का इसको सजा नहीं देता है, तो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना रोड पर, सड़क पर उतरेगी, चक्का जाम करेगी, रोड जाम करेगी और आंदोलन करेगी। और फिर मैं वही बात कहूंगा जो स्टार्टिंग में कही थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, संगठनों का काम, संगठनों की जिम्मेदारी है, संगठन केवल सदस्य बनाने के लिए नहीं होते, संगठन केवल डोनेशन लेने के लिए नहीं होते, संगठन होते हैं जो गरीब है, जो पीड़ित है, जिनका दर्द कोई नहीं सुनता, उनका दर्द सुन करके उनके लिए लड़ना प्रशासन से, वो संगठन है, उनके लिए पुलिस से लड़ना वो संगठन है। लड़ाई का तरीका हिंसात्मक नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो वो मैं उसमें नहीं कह सकता हूँ। हाँ, सड़क पर उतरो, चक्का जाम करो, आमरण अनशन करो, घेराव करो, ये सब आपका अधिकार है और वो अधिकार क्षेत्र में आता भी है, क्योंकि पीड़ितों के लिए जब आप सड़क पर उतरेंगे तो उनको कार्यवाही करनी पड़ेगी, जब आप सड़क पर उतरेंगे तो कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। जी, मुझे एक बात बताइए, आपने एक पहले दूसरे के, जब हम पहले दूसरे क्लास में पढ़ते थे, आपको पता होगा कि एक पहाड़े के अंदर जब एक कहानी आती थी, एक लकड़हारे की, उस लकड़हारे के 4 पुत्र थे जी, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, तो उस लकड़हारे के 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्र अलग अलग रहते थे जी, तो उनके पिता उससे भाई अलग अलग रहते थे, रोज रोज के झंझट से परेशान थे, तो उनके पिता ने एक दिन क्या किया, एक दिन ऐसा आया
तो उनके पिता ने एक एक लकड़ी उन चारों लड़कों के हाथ में दे दी, अपने चारों बेटों के हाथ में जी। तो पिता ने बोला बेटा ये लकड़ी तोड़ो जी। तो जो पुत्र थे उस पिता के, उन्होंने एक एक लकड़ी बड़े आसानी से तोड़ दी। फिर दूसरे दिन उन्होंने वही चार लकड़ी इकट्ठी की और चारों लड़कों को दी, बोले बेटा अब इसे तोड़ो जी। तो उनमें से कोई भी नहीं तोड़ पाया उन लकड़ियों को। तो उसके पिता का उत्तर आया, बोले बेटा संगठित रहोगे तो शक्तिशाली रहोगे, आपकी सुनवाई होगी जी, आपकी शासन भी सुनेगा, कानून भी सुनेगा, प्रशासन भी सुनेगा जी। और आपसे भिड़ने के लिए दुश्मन जो भी है विरोधी हमारा 10 बार सोचेगा जी। लेकिन बात ये भी आती है, समय बहुत कम है और हम लोग बिल्कुल लास्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन लास्ट जाते जाते आपसे, क्योंकि अगली बार फिर हम आपको जल्द ही लाएंगे और शायद दर्शक जो है आपको सुन सके। सवाल मेरा वहीं पर है कि हम सनातन के रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। 8 वर्ष की आयु में जहां राजपूत का जनेऊ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सनातन पर बात कोई करना चाहे या फिर वो चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी पर बात करना चाहे या किसी भी इंफॉर्मेशन पर, हम हर चीज के लिए हर समय तैयार रहते हैं। राजपूत का जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में होना चाहिए, तो क्या आज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हमें सनातन के रास्ते पर अगर चलना चाहिए तो क्या चल पा रहे हैं? चारों लकड़ियां चार परिवार तभी तो इकट्ठे हो पाएंगे जब एक साथ मिलकर के रहेंगे, कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। हमारे आसपास स्कूल जो हैं वो क्रिश्चियनिटी वाले जो स्कूल हैं, जिनमें छोटे छोटे घाघरे पहनाए जाते हैं और उनको देखा जाता है। हमारे यहाँ जो पोशाक पहनाई जानी चाहिए, क्या उसके लिए आंदोलन होते हैं? का यही कांग्रेस है जो कांग्रेस सरकार का पैसा राजस्थान में बर्बाद कर रही थी और कह रही थी कि ये जो घूंघट है वो एक प्रथा है, लेकिन जब हिजाब की बात आई तो स्टैंप ले लिया कि वो धर्म का मामला है। आप बताइए, घूंघट तो एक प्रथा कुप्रथा हो गई और हिजाब जो है वो इनके लिए क्या हो गया? धर्म का मामला, वो धर्म का अंदरूनी मामला है, वो धर्म है। लेकिन यही सनातन पर जब बोलते हैं तो कितने संगठन उठे, कितनी करणी सेना वालों ने कहा कि सरकार का पैसा आपने वेस्ट कर दिया और ये घूंघट कुप्रथा नहीं है, प्रथा है हमारी, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? क्या जब सरकारी पैसा जब बहाया जा रहा था पानी की तरह, वहां पर भी तो संगठन आते, चाहे वो ब्राह्मणों के होते या राजपूतों के होते या वैश्यों के होते या दलितों के होते, जितने भी संगठन हैं उन सभी को उतरना चाहिए था। हमारी संस्कृति बचाने के लिए हम खुद नहीं उतरते हैं, जब दूसरे की बात आती है तो उसमें हम कूदते हैं। पहले तो हम लोगों को अपना घर बचाना चाहिए, कोशिश ये भी तो करनी चाहिए। अगर हम पड़ोसी का साथ देंगे तो हमारा भाई हमारा साथ कैसे देगा? भाई भाई आज टूट क्यों रहे हैं? दिक्कतें उनमें ये सबसे बड़ी है कि हम साथ दूसरे का देने के लिए चले जाते हैं, भाई का साथ भाई की तकलीफ समझने के लिए हम बैठे ही नहीं है। इसलिए चारों लकड़ियां अलग अलग हो गई कि वो चार लकड़ियां चार जगह की हो गई और हम मान करके बैठे हैं कि लकड़ियां आपस में बंध ही क्यों नहीं है, ये छूट नहीं है बार बार जी और टूट रही है। ये सब इसमें एक ही बात है, सीधी सी बात है, वोट बैंक की राजनीति जितने भी समाज में, मैं ये नहीं कहता जो भी है, हर घर में, आज हर घर में देखो तो आज वोट बैंक की बात करें, अगर हम पार्टी की बात करें ना, तो कोई तो कांग्रेस को समर्थन करता है, कोई बीजेपी को समर्थन करता है। ये गलत, हम जितनी ही सरकार गलत है ना, जितने भी शासन प्रशासन गलत है और जो सरकार गलत है उससे कई ज्यादा गलत मैं उन लोगों को मानता हूँ जो चंद पैसों में बिक जाते हैं, चंद नोटों में, जो अपने आप को मैं उनको इस युग का जो है बहुत बेहतर उनको देवदूत मानता हूँ कि वो आए और उन्होंने हमारे जो हिंदुत्व के जो एक बहुत बड़े चेहरे थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी अस्थियों को वापस लिया इस देश में, जो सदियों से वहां घड़ी हुई थी और शायद किसी सरकार की आज तक हिम्मत भी नहीं पड़ती। और ये काम कोई साधारण नहीं था, वो भी तिहाड़ जेल से निकल करके और उनकी अस्थियों को ससम्मान लाना और उनको सम्मान सहित जो है यहाँ उनको एक बात बताइए, जगह देना, स्थान देना, ये साधारण काम नहीं था, वो एक असाधारण व्यक्ति का ही काम है। लेकिन क्या हम उनको सम्मान दे पाए आज तक? भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, मैं तो ये मांग करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, शेर सिंह राणा हम इसमें आपका पूरा समर्थन करते हैं, ये लायक हम इसमें क्योंकि उन्होंने इस देश के जी बिल्कुल क्योंकि इस देश के बड़े भारत रत्न को उन्होंने सम्मान दिया।
दुश्मन देश भी जिसके नाम से थर थर कांपता है, अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान, शेर सिंह राणा एक वो नाम है जिसको ना तो कभी उसने वो कारनामा किया है जिसको ना तो सरकार कर पाई, ना जिस देश का कानून कर पाया, ना इस देश की सेना कर पाई। मैं सेना पर उंगली नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरी देश की सेना इतनी शक्तिशाली है जितना कोई हो नहीं सकता। मैं मेरी देश की सेना का हमेशा सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। बिल्कुल, देखिए स्नेह सिंह ने भी लिखा है कि ये जो है सबसे ज्यादा अन्याय क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ ही हो रहा है। भैया क्षत्रिय ब्राह्मण ही नहीं, वैश्यों के साथ भी हो रहा है। यही तीन प्रजातियां बची हैं, तिलक तराजू और तलवार इन्हीं के साथ हो रहा है और लगातार तब तक होता रहेगा जब तक, सोलंकी जी ने कहा है कि जब तक लकड़ियां चारों नहीं आपस में मिलेंगी, जब तक एक घर एक साथ में नहीं बनेगा तब तक ये टूट फूट पड़ती रहेगी और ये लकड़ियां एक एक करके टूटती रहेंगी, तोड़ा जाएगा जब तक चारों समाज जो है एक साथ में नहीं आएंगे, चारों वर्ण व्यवस्थाएं चारों भाई एक साथ नहीं खड़े होंगे तब तक हमें तोड़ा जाएगा। कहना चाहूंगा मैं आप सभी से, जितने भी मेरे भाई और जितनी भी देश की जनता मुझे देख रही है, मेरे भाई है सम्मानीय मुझे देख रहे हैं, जब तक हम दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, दूसरे के प्रोग्राम में या कहीं भी, आज बलवंत सिंह की हत्या हुई है तो आज हम वहां नहीं जाएंगे तो कल के ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, हर किसी एक व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो आपके पास कोई नहीं, राजपूत जी लिखते हैं कि आर्थिक जी आरक्षण आर्थिक आधार पर हो ना कि जाति के आधार पर। बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं कह रहा हूं कि अगर जाति के आधार पर आरक्षण जिस दिन हुआ तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को मिलेगा, राजपूतों को मिलेगा, वैश्यों को मिलेगा, क्योंकि तीनों जातियां बहुत कम है। चाहे राज्यवार गिनती करवा लें, चाहे वो जनगणना करवा लें या मतगणना करवा लें, जो चाहे वो करवा लें, उस आधार पर तो फिर ये आरक्षण किसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर जाति बहुत कम संख्या में रह गई है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, बाकी जातियां बहुत ऊपर निकल जाएंगी। आरक्षण के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, आरक्षण आर्थिक आधार जी, SC ST कानून जी, आरक्षण की मुझे एक बात बताइए, आरक्षण की जरूरत मंत्री के बेटे को क्या जरूरत है, कलेक्टर के बेटे को क्या जरूरत है? आरक्षण बहुसंख्यक की बजाय अल्पसंख्यक को दिया जाए तो ब्राह्मण राजपूत और वैश्यों को सबसे ज्यादा मिलेगा, जातियों के आधार में अल्पसंख्यक के आधार पर दिया जाए, न कि सरकार ये तय करे, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अल्पसंख्यक के पे होता है। अगर जातियों में ये लगता है, हर एक गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए और इसका, लेकिन बात आपकी सही है कि गरीब को मिलना चाहिए वो सबसे बेहतर है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा में गरीब को भी ना मिले, क्योंकि एजुकेशन और उसमें योग्यता मिले, आरक्षण मिले उसमें योग्य व्यक्ति को मिले, अगर कोई व्यक्ति योग्य है उसमें योग्यता को आरक्षण मिले, जो व्यक्ति इसका जवाब हम 8 जनवरी को भोपाल में देंगे। जितना भी सरकार है ये खेल खेल रही है जी, जितना खेल खेल रही है इन्हें खेलने दो, असली खेल तो अब हम खेलेंगे, चक्रु भी हम रचेंगे, उसमें फंसेगी ये सरकार। बिल्कुल सोलंकी साहब, अब समय भी समाप्त हो गया है क्योंकि एक घंटा पूरा हो गया है और हमारा शो, हमारे साथ में आज खास मेहमान थे और आप सभी का धन्यवाद, कुंवर धर्मवीर सिंह सोलंकी जी जो राष्ट्रीय श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना का संचालन करते हैं और पूरे देश में जो है इनके सैनिक है, पूरे देश में इनके सिपाही है, पूरे देश में इनकी सेना है और चल रही है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATP न्यूज चैनल, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।